रात का समय था और मुझे डर लग रहा था इस वक्त मायके जाकर सबको क्या बताऊंगी कि रात के इस पहल में अकेली क्यों आई हूं और मेरा पति कहाँ है जबकि मेरा पति कैसे आता मैं तो उससे लड़ झगड़ कर आ गई थी उस व्यक्ति ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था बल्कि साफ साफ कहा था कि तुम जा तो रही हो लेकिन याद रखना वापस भी तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा इतने कटेदार शब्द थे उसके और बोलने का ढंग तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था मेरे तो आंसू ही रो ही नहीं रुक रहे थे बदनामी का एहसास मुझे अंदर से काट रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मर्जी की शादी करने के बाद भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा था शायद सच कहते हैं लोग प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता सब कुछ पैसा ही होता है जब इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो उसका प्यार से दम घुटने लगता है और मेरी इच्छा है तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ और भाई ने मुझे मुझसे कहा था कि अच्छे से सोच लो तुम जिस व्यक्ति से शादी करने जा रही हो उसके पास इतनी दौलत नहीं है वो तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे सकेगा जितने तुमने यहाँ देखी है लेकिन मुझ पर तो सिर्फ प्यार का भूत सवार था शादी के बाद आशीष का आदेश था मुझे एहसास होने लगा कि मैंने गलती की है और इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी जब मैंने जीन्स टॉप तो पहना था मेरे पति ने देखकर ये कहा था कि ये तुमने क्या पहन लिया है हालांकि मैं पहले भी ऐसे कपड़े पहनती थी उसने मुझे नहीं रोका था लेकिन अब हम इस वक्त मेरे पति के दोस्त के घर हैं शादी की दावत पर जा रहे थे मैंने हैरत से अपने पति को देखा जिसके चेहरे पर मायूसी थी मैंने कहा कि मैं तो शर्ट कपड़े पहनती हूँ आज कौन सा मैंने पहली बार पहना है और उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम मेरी पत्नी हो मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है कपड़ा अभी बदल लो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रह पाई मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि मर्द की फितरत कितनी तो होती है उसे महबूबा मॉडर्न चाहिए होती और पत्नी घूंघट में छुपी हुई मैंने गुस्से में कपड़े चेंज कर लिए लेकिन मेरा मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था एक तो घर में एसी भी नहीं था गर्मी से मेरी जान निकल रही थी अगर मैं ज़रा खुश हुई थी तो वो खुशी भी उसने मुझसे छीन ली थी और फिर मेरा गुस्सा उस वक्त आसमान को छूने लगा जब मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके अपने घर से बुलाया कि हम दोनों को मेरे पति के दोस्त के घर ड्रॉप कर देगा लेकिन मेरे पति ने गुस्से से मुझसे पूछे बिना ही उसे वापस भेज दिया और साफ शब्दों में कहा कि मेरे दोस्त ने मेरी हैसियत को जानते हैं मैंने तुमसे शादी की है तुम्हारी दौलत से नहीं अब जैसे मैं रहता हूँ तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा और फिर हम बिना एसी के टैक्सी में बैठ कर गए मेरी हालत में कुछ अटक चुका था आज तो आंसू उमट उमट कर बाहर आ रहे थे मैं मुश्किल से उन आंसुओं को गला घुटने में लगी हुई थी हम कब पहुँचे कुछ पता ही नहीं चला मेरे पति ने मुझे जैसे किसी सपने से जगाया और जैसे ही मैं टैक्सी से बाहर निकली मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हम एक आलिशान बंगले के सामने खड़े थे मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पति का कोई दोस्त इतना अमीर भी था मैंने हैरत से अपने पति की तरफ़ देखा जो अब टैक्सी वाले को किराया दे रहा था उसके बाद उसने दरवाज़े पर बेल बजाई मैंने फौरन अपने हुलिए की तरफ देखा सादा सी साड़ी में मैं उस आलिसान घर में जाने की काबिल नहीं थी अब मुझे गु़स्सा आ रहा था कि मैंने वो कपड़े क्यों उतारे थे और फिर गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया उसने अच्छे से हमारा वेलकम किया और एक नौकर हमें लेकर अंदर आ गया जितना बाहर से खूबसूरत था अंदर से इतना ही दिलकश था हर चीज़ में खूबसूरती झलक रही थी मुझे फौरन अपना मायका याद आ गया जब मैं अपने प्यार के लिए छोड़ आई थी मेरा दिल टूट गया था और फिर मेरे पति का दोस्त बाहर आया उसके साथ उसकी पत्नी भी थी दोनों को देखकर मैं हैरान रह गई थी वो दोनों एक दूसरे के संग इतने खूबसूरत लग रहे थे उस लड़की ने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे दोनों ने फूल देकर हमारा वेलकम किया मुझने मुझे अपना आप मिटता हुआ सा लगने लगा मैं आज तक बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों में गई थी और लाखों लाखों के कपड़े पहनती थी पर इस वक्त मैं बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे हमारे घर की नौकरानी अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि मुझे कुछ देर बाद ही ठंड लगने लगी मैं तो उन सब चीज़ों की आदि थी गर्मी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी मेरा पति अपने दोस्त से हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी खाने पीने का इंतज़ाम देखने चली गई मेरे पति के दोस्त ने कहा कि भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो उसने आंखें में आंखें डालकर कहा अभी भी मोहब्बत करने वाली औरतें दुनिया में मौजूद हैं वरना आजकल तो औरतें पैसे पर मरती हैं उसकी बात से मुझे कुछ हुआ था मैं चुपचाप बैठी रही एक खुशगंवार माहौल में इतने खाना खाया मेरे पति का दोस्त थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे बातें कर रहा था वो कह रहा था कि मैं कितने दिनों से आप लोगों की दावत करना चाहता था लेकिन आपके पति के पास टाइम ही नहीं था और फिर मैंने अपने पति की तरफ़ देखा जो खामोशी से खाना खा रहे थे मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो जानबूझकर मुझे यहाँ नहीं लाना चाहता था मेरे पति के दोस्त की पत्नी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह थी वो देखने पर बस मुस्कुरा देती थी कुछ बोल ही नहीं रही थी तकरीबन तीन घंटे हम वहाँ रहे मेरा वहाँ से उठने की दिल नहीं चाह रहा था लेकिन वापस तो आना ही था हम लोग वापस आ गए मेरे पति के दोस्त और उसकी पत्नी ने मुझे गिफ्ट दिया था वापस आकर मुझे उस छोटे से घर में अजीब सा एहसास हुआ था मेरा दम घुटने लगा था दिल कर रहा था कि वापस उधर ही चली जाऊं, लेकिन अब तो मुझे यहीं रहना था मेरे पति खामोशी से कपड़े बदलने चले गए। गर्मी इतनी थी कि कुछ ही देर में मुझे पसीना आने लगा यहाँ ए तो क्या कूलर भी नहीं था मुझे अब अपने पति पर गुस्सा आ रहा था उसने वो सब कुछ लेने से मना कर दिया था जो मेरे घर वालों ने दिया था एक घर और गाड़ी लेकर मेरे पति की आत्मा शांत हो गया था मैं यहाँ जल रही थी कुछ देर बाद मैंने भी चेंज कर लिया और जब मैंने गिफ्ट खोल कर देखा तो मेरी आँखें चुंगी आ गई उसमें ही खूबसूरत सा डायमंड का सेट था मैं अभी उसकी खूबसूरती में गुम थी कि मेरे पति ने वो सेट मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना ये हम उन्हें वापस करेंगे मैंने हैरत से अपने पति को देखा उसके चेहरे पर गुस्सा था मैंने सेट में ही फेंक दिया और सोने के लिए लेट गई लेकिन गर्मी इतनी थी कि सोया नहीं गया जबकि मेरा पति थोड़ी देर बाद ही सो गया था उसे आदत थी ऐसी रहने की जबकि मुझे नहीं थी और फिर हमारे झगड़े बढ़ते गए मुझे महसूस हुआ था कि मेरा पति बड़ा अजीब और शंखी सा था उसने मुझे जॉब करने से भी मना कर दिया था मुझे बहुत अच्छी जगह से ऑफर हुई थी मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं और अपना घर बनाएंगे वो सब चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें जॉब की अनुमति नहीं दे सकता अब मुझे लगने लगा था कि उसने जैसे मुझे घर में कैद कर लिया मैं पागल हो रही थी मुझे छोटी छोटी ज़रूरतें के लिए पैसे चाहिए थी जो मेरे पति के पास नहीं थे कभी बिजली नहीं होती तो कभी पानी बंद हो जाता था चार दिन में ही मेरे अकल ठिकाने आ गए थे मोहब्बत का भूत मेरे सर से फ़ौरन उतर गया था मैं तो अपने भाई से भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने पहले ही मुझे इस शादी से मना किया था और फिर उसी दिन मुझे माँ का फोन आ गया वो मुझे बता रही थी कि भाई और भाभी घूमने गए हुए हैं मेरा दिल दुखी हो रहा था भाई ने भाभी को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था वैसे तो भाभी बहुत अच्छी थी लेकिन मेरा भाई उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकता था मुझे नए कपड़े की ज़रूरत थी मेरे पास कपड़े के कम जोड़े थे मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे मैंने बातों बातों में माँ से कहा था तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिया और मैं खुश हो गई फिर मैं फौरन शॉपिंग करने चली गई लेकिन जब वापस आई तो मेरा पति घर आ चुका था उसने गुस्से से पूछा कि तुम मुझे बताए बिना कहाँ गई थी मैंने साफ साफ कह दिया कि शॉपिंग करने गई थी और मुझे डर भी लग रहा था मेरे पति ने पैसों के बारे में पूछा तो मैंने कहा अपनी माँ से लिया है मैं जानती थी कि उसे गुस्सा आया था लेकिन ये मेरे पैसे थे उन पर मेरा हक़ था वो घर से निकल गया रात को आया तो उसके हाथ में कुछ कपड़े थे उसने वो कपड़े मेरी तरफ़ फेंकते हुए कहा कि ये किसी भिखारी को दे दो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया मुझे अपने पति पर पागलपन का असर लग रहा था मैं भी चुप ना रह सकी और मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे यहाँ सांस भी ना लेने देते मेरा यहाँ दम घुटता है मेरी माँ के पैसा पर मेरा हक है वो भी गुस्से से बोला तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था और ना मैं और मैं रोने लगी मैंने वो कपड़े उठाए जो मैं ख़रीद कर लाई थी जब मैं कमरे से निकलने लगी मेरे पति ने पीछे से कहा कि जा तो रही हो मगर आना भी खुद से और मैं पता नहीं किसे अपने घर तक पहुंची कैसे मेरे घर तक पहुंची थी मैं आते ही अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ी उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है पर मैं कुछ नहीं कह सकी मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई मुझे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी मेरी मोहब्बत जैसे मर गई थी अपने कमरे में ए के साथ मुझे अच्छी नींद आ गई थी अगले सुबह भाभी ने मुझे आकर उठाया था वो मुझसे शिकवा कर रही थी हम भी रात को ही आए हैं और भाभी से फौरन पूछा कि भाई आपसे इतने मोहब्बत कैसे करते हैं वो आपकी हर बात कैसे मानते हैं ये सुनकर भाभी के चेहरे पर साया सा लहराया फिर उन्होंने कहा कि ये तो औरत के नसीब की बात है किसी को सब मिल जाता है और किसी को सब मिलकर भी कुछ नहीं मिलता मुझे उनकी बातों पर हैरत हुई उन्होंने मुझे कहा कि अपने पति के साथ हमेशा वफादार रहो बस यही एक रास्ता है जिससे पति का दिल जीता जा सकता है और मैं सर झुकाए बैठी रही किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा पूरा हताश हो चुकी थी अपने मायके आए तब ना मेरे पति ने फोन किया था ना मैंने मैं यहाँ बहुत सुकून में थी ससुराल के बारे में याद आती ही मेरी आत्मा काम जाती थी कभी कभी वो जालिम व्यक्ति याद आता था क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी और फिर पूरे एक हफ़्ते बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया मैंने वो आवाज़ पहचान ली थी ये मेरे पति का वही दोस्त था जिसके घर मैं दावत पर गई थी वो फिर से घर बुला रहा था कह रहा था कि उस दिन कुछ ज़रूरी बातें रह गई थी और शायद उसे भी अब तक का पता चल चुका था कि मैं अपने घर आई हुई थी मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और अगले दिन मैं बताए गए टाइम से पहले ही अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर कर वहाँ पहुँच चुकी थी अंदर खामोशी सी थी कोई भी नहीं था कोई है मैंने पूछा और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तभी मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ किचन के साथ बने कमरे से आ रही थी मैंने जाकर दरवाज़ा खोला जो बाहर से बंद था अंदर का मंजर देखकर मेरी आत्मा कांपने लगी मेरे पति के दोस्त को दोस्त की पत्नी रस्सियों से बंधी हुई थी वो बहुत जख्मी थी मैंने फ़ौरन उसका मुंह खोला और फिर उसने कहा कि यहाँ से भाग जाओ वो व्यक्ति जानवर हैं तुम उसके जाल में मत जाओ भाग जाओ यहाँ से और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया था वो बहुत भयानक था वो अमीर आदमी है दरअसल एक स्मगलर और साइको किलर था और वो अपनी पत्नी को रोज मारता था पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी वहाँ से मैं अपने कमरे में आकर जैसे बेहोश हो गई मैं बुरी तरह डर गई थी मैं अपने भाई को बताना चाहती थी ताकि वो उस लड़की की मदद करे तभी मुझे अचानक उनके कमरे से बाहर भाभी के रोने की आवाज़ आई भाई भाभी पर चीख रहे थे मुझे आज समझ आ गया था कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं मुझे अपना पति याद आया जो मुझसे मोहब्बत करता था बस उसके पास पैसा नहीं था मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ शाम होते ही मेरा पति मुझे लेने आ गया लेकिन मुझे उसी के साथ जाना था वो मेरा रक्षक था घर से बाहर निकली तो हैरान हो गई बाहर एक चमकती गाड़ी थी मेरे पति ने बताया कि ये गाड़ी उसे ऑफिस की तरफ से मिली है उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैं तो रो ही पड़ी थी मैंने उसे सब बता दिया उसने मुझे गले लगाया और कहा पागल तुम तो बेवकूफ़ हो फिर उसने मुझे बताया कि उसका दोस्त पकड़ा जा चुका था उसका दोस्त नहीं था बल्कि मेरे पति ने उसे जानबूझकर दोस्ती की थी ताकि उसके खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठे कर सके और मुझे ये आज ही पता चला था कि मेरा पति एक सीक्रेट एजेंट था वो गरीब नहीं था लेकिन अपने मिशन के लिए बना हुआ था मिशन पूरा हो चुका था मैंने फौरन ही ऊपर वाले का धन्यवाद किया जिसने मेरी आंखें खोल दी थी और वक्त रहते हुए मुझे बचा लिया था